खासकर बड़े खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और उनमें से एक है उनके कप्तान। जी बिल्कुल, रितेश देशमुख से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये अगर आप देखने जाए तो ये एक तरह से क्वार्टर फाइनल है वीर मराठी के लिए। अगर ये मैच जीत गए तो डेफिनेटली अगला मैच बिकम्स अ क्रिटिकल मैच। पहली गेंद पे करारा प्रहार, लेकिन एक ही रन मिलेगा। रमन्ना भी अब बल्लेबाजी कर रहे हैं एक सब्स्टिट्यूट रनर के साथ। स्ट्राइक पे वापस आएंगे विष्णु। बिग ब्रदर फाउंडेशन आपको याद दिला दे, हर रन के लिए ₹1,000 डोनेट कर रहा है इस ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में। आउटसाइड एज, लेकिन चौका भी मिला उससे और विष्णु को उनके पहले रन मिलते हुए वीर मराठी को अपने फील्डिंग को बहुत कसी रखनी पड़ेगी नीलेश जी। बिल्कुल, आई थिंक एरियाज नहीं, बहुत नई गेंद है, इम्पॉर्टेंट है कि फील्ड सेट और कौन से एरियाज में अगर गेंद होती है। हालांकि रितेश देशमुख डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, जानते हैं ये सिचुएशन में क्या करना है और एज अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे रितेश देशमुख। ये एक अच्छी गेंद थी, सिर्फ एक ही रन देंगे इस पे। नीलेश, हमने देखा खासकर जब चेन्नई गेंदबाजी कर रहे थे कि ज़्यादातर उनके गेंदबाज राइट आर्म मीडियम थे और सिर्फ एक ऑफ स्पिनर थे, तो ये बताइए कि वीर मराठी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ज़्यादा वैरायटी है अटैक में? डेफिनेटली है, जैसे कि रितेश प्रिडोमिनेंटली इन स्विंगर बॉलर है, रईस लश्कर आउटस्विंग डालते हैं, उसके साथ अंकुश चौधरी जो लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, पिछले दो सीजन में वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स है वीर मराठी के लिए और ये स्क्वायर लेग के लिए चौका। एक और बेहतरीन शॉट, अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे लय में वापस आते हुए और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पहला ओवर साबित हो रहा है कप्तान रितेश देशमुख का। चार गेंदों पे 10 रन और दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका और विकेट के दोनों तरफ। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक लय पकड़नी होगी। रितेश देशमुख खुद जानते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज शोल्डर। थिंक फर्स्ट ओवर है, शायद रस्टी होंगे, लेकिन आई एम श्योर ही विल कम बैक इन द गेम। इसको जरूर एक नो बॉल करार दिया जाएगा, साथ साथ चार रन के लिए भी जाएगी ये, यानी 5 रन कुल मिला के, और फ्री हिट नहीं होगा क्योंकि ओवर स्टेपिंग के लिए ये नो बॉल नहीं, लाइन के लिए जो बहुत बहुत आज से ऐसा लगा कि फिसल के निकली थी। जी बिल्कुल, स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, अनफॉर्चुनेट, हर बॉलर के साथ हो सकता है। ऐसा लगा कि बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल ट्राई कर रहे थे जेम्स फॉकनर की तरह। जी नहीं, उनका एक्शन है प्रेडोमिनेंटली इन स्विंग बॉलर है, तो शायद वो एंगल की वजह से लगता है कि वो। तो जैसा कि आप बता रहे थे, शायद अंकुश के जो ओवर होंगे वो काफी क्रूशियल बन सकते हैं। जी बिल्कुल, ही कैन कंट्रोल द गेम और वो एरियाज जानते हैं कि कौन से एरिया में डालते हैं। पिछले दो सीजन में काफ़ी अच्छा इकोनॉमी रेट भी अंकुश चौधरी का है, तो आई थिंक वीर मराठी डेफिनेटली इज होपिंग कि अंकुश चौधरी वो रोल प्ले करे। स्लाइटली एक्सपेंसिव फर्स्ट ओवर फॉर द कैप्टन ऑफ वीर मराठी, विच इज वाई चेन्नई राइनोज फैंस विल बी क्वाइट प्लीज्ड। 21 रन बन चुके हैं और एक गेंद बची है दूसरे ओवर में, 16 रन इस ओवर में जा चुके हैं जिनमें से 3 चौके एक नो बॉल की वजह से। स्ट्राइक पे विष्णु, इसे ऑन साइड पे खेलेंगे, एक रन आसानी से ले लेंगे। दो ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई राइनोज 22 पे एक रन गए थे, एक वाइड काफी या नो बॉल जो दिया गया था 4 रन के लिए गई थी। दूसरा ओवर अपना डालेंगे लश्कारिया, पहले ओवर में 5 रन देके एक विकेट, बहुमूल्य विकेट विक्रांत का ले चुके हैं। क्या अपना जादू फिर से दिखा सकते हैं? पावर प्लेज के अंदर विकेट्स की जरूरत वीर मराठी को। जैसा कि नीलेश कुलकर्णी कह रहे थे, बहुत अच्छे टेक्निक के साथ खेलते हैं दोनों विष्णु और रमन्ना। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं और फॉर्म में भी हैं। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव, हृदया क्योर अ लिटिल हार्ट फाउंडेशन हैज सेव्ड ओवर 2000 लाइव्स ओवर द लास्ट 7 इयर्स। मेक श्योर दैट यू कॉन्ट्रीब्यूट बाय लॉगिंग ऑन टू hrudaya.com। बेहतरीन शॉट, इस बार ऑन साइड में फील्डर मौजूद है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं। नीलेश, क्या बढ़िया टाइमिंग, दैट वुड हैव डन एनी प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेटर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्राउड।
जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, मिडिल स्टंप से फ्लिक कर दिया डीप स्क्वायर लेग के लिए बाउंड्री। आई थिंक लश्करिया को एक अच्छी लाइन डालनी है क्योंकि 6-3 फील्ड के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और जहाँ पे अगर पाँव में आप गेंदबाजी करोगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम है एज अ बॉलर। And we are in the city where we have seen some amazing batsmen emerge, और बहुत ही रिस्टी प्लेयर्स, और यहाँ पे कलाइयों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था रमन्ना ने। डबल फिगर्स तक पहुंचने वाले पहले चेन्नई के बल्लेबाज, एक और शॉट, इस बार फील्डर होता तो क्या फर्क पड़ता, बड़ा बड़ा छक्का। आई थिंक चेन्नई की स्ट्रेटेजी काफी क्लियर है कि फर्स्ट 6 ओवर्स पावर प्ले में सबसे ज्यादा फायदा उठाना है। आई थिंक काफी समझदारी से गेंदबाजों को एनालाइज करके गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर है, जितने रन बटोर सकते हैं फर्स्ट 6 ओवर में प्रेशर कम करने के लिए उनकी कोशिश, तो दे आर गोइंग आफ्टर टॉप टू बॉलर्स। और दोनों ही लश्कारिया और रितेश चूंकि थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, शायद जल्द ही हमें स्पिन देखने को मिलेगा, और उससे अगर कोई स्टोरी में बदलाव आए तो अच्छी बात रहेगी वीर मराठी के लिए। लेकिन फिलहाल इस मैच का जो पूरा मोमेंटम है वो चेन्नई राइनोज के ही पक्ष में। तो आप बता रहे थे पहले जैसे कि आप इनसाइडर हैं, तो बताइए कि ये सीसीएल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? काफ़ी बहुत अच्छी एक एक्साइटमेंट है, एक बहुत अच्छी एंथुजियाज्म है सारे खिलाड़ियों में। जी बिल्कुल, एंड एडिशन टू दैट जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये प्राइमरीली एक्टर्स है, तो हमने देखा ईयर वन से इनकी कमिटमेंट जो होती है, अपने बिजी स्केड्यूल में अवेलेबल कर देना, खुद को प्रैक्टिस के लिए कमिट करना और फिर आके उतना 100% देना, आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये सब एक्टर्स अपने बिजी स्केड्यूल में उतना एफर्ट दे के क्रिकेट खेलने आते, अपना पैशन, अपना लव क्रिकेट के लिए वो जीना चाहते हैं। तो आई थिंक ये वीर मराठी का फ्रॉम ईयर वन, फर्स्ट ईयर वीर मराठी जब सेमीफाइनल तक पहुंची थी, एक्सपेक्टेशंस अलग थे, उसके बाद एवरी पर्सन इज कमिटिंग मोर देन 100%, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब एक क्रिकेटर की तरफ से आप देखते हो, तो ये कमिटमेंट बहुत ही मायने रखती है। थोड़े से फील्ड में बदलाव आए हैं और उसके बाद से लश्कारिया अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसी से पहले इस ओवर में काफी रन जा चुके हैं, 13 रन इस ओवर में और एक गेंद अभी भी बची हुई, यानी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं दोनों बल्लेबाजों को, जानते हैं कि डीप मिड विकेट है, यानी बड़ा शॉट नहीं खेलेंगे ऑन साइड पे। लेकिन लश्कारिया की तरफ से चूंकि फाइन लेग इनसाइड द सर्कल है, लाइन बिल्कुल सही रहनी पड़ेगी, 6 फील्डर्स जैसे कि निलेश ने बताया था ऑफ साइड में, बिल्कुल सही गेंद, ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 35-1 चेन्नई राइनोज। कंपेटिटिव स्कोर जरूर बना था। अब वो खिलाड़ी जिनकी बातचीत हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, अंकुश चौधरी। निलेश पिछले मैच में थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे थे, आखिरी गेंद पे एक बड़ा शॉट, आई थिंक अनफॉर्चुनेट, या स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, वो एक ऐसा मोमेंट आता है कि बैट्समैन वो बॉल पे मारने को ही देखता है, एंड आई थिंक इट वेंट अगेंस्ट वीर मराठी। बट मैं अगर अलग तरीके से सोचूं, 20 ओवर अगर गेम होती थी तो शायद कुछ ओवरऑल पिक्चर ही अलग होती थी। जी हाँ बिल्कुल, एक डकवर्थ एंड लुइस मेथड की वजह से थोड़े से अबॉर्टेड ओवर्स रहे थे। आपको याद दिला दें आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/ccl2020। चेन्नई राइनोज लुकिंग गुड फॉर अ सेकंड सक्सेसिव विक्ट्री। लेकिन अच्छी नपीतुली गेंदबाजी से शुरुआत की है चौधरी ने, पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप पे सीधी रही थी, इस बार भी हल्की सी थोड़ी सी टर्न का हिंट जरूर दिखा। जी बिल्कुल, आई थिंक अंकुश चौधरी विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन दिस सेटअप, उनके 4 ओवर अगर वो गेम में लाते तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। लेकिन पावर प्ले में हमेशा स्पिनर जब आता है तब उस पर एक दबाव हमेशा रहता है निलेश, फील्डर्स आप सिर्फ दो ही बाहर रख सकते हैं और उसका भरपूर फायदा उठा सकता है बल्लेबाज, जिसका बखूबी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया रमन्ना ने। जी बिल्कुल, अगेन शॉर्ट गेम, इजी पिकिंग, डीप स्क्वायर लेग आप रख नहीं सकते हो, जिसके चलते उन्हें इजी पहली दो गेंदबाजी उन्होंने आगे की थी, बैट्समैन इज स्केयर्ड टू हिट यू ओवर द पार्क, सो आई थिंक एरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे कौन से एरिया में अंकुश चौधरी गेंदबाजी करते हैं। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पे चेन्नई राइनोज के लिए, एक विकेट जरूर हो चुके हैं लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी यहां पे बनती हुई, एक और रन मिलेगा जिसकी वजह से साझेदारी 36 रनों की बन जाएगी।
और गौरतलब है कि जब वीर मराठी खेल रहे थे तब छठे विकेट से पहले तक 35 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे। तो आपसे भी कई टिप्स ले रहे होंगे अंकुश, क्योंकि आप भी उनकी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर ही थे। जी बिल्कुल, ही इज ऑलवेज हंग्री, ऑलवेज वांट टू अडैप्ट कि किस तरह से इंप्रूव कर सके, किस तरह से अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और उनकी एक खासियत बहुत ही अच्छी है कि वो कंसिस्टेंटली एक एरिया हिट करना चाहते। आई थिंक ये फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में जो रोल अंकुश चौधरी प्ले करेंगे वो वीर मराठी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये अच्छा ओवर रहा है, सिर्फ 6 ही रन दिए हैं, एक चौका, लेकिन उसके अलावा बहुत प्रिसाइज गेंदबाजी, बोले तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन चेन्नई राइनोज के कैंप में सब काफी निश्चिंत, फिलहाल काफी खुश नजर आते हुए। बल्लेबाजी भी बहुत बची है उनके लिए, आखिरी गेंद इस ओवर की। वाइड का इशारा और उसके साथ साथ 4 रन भी मिलेंगे। वहां पे कोई फील्डर शुरुआती ओवर्स में मौजूद नहीं रहेंगे और इसके वजह से आसानी से और 5 रन मिलते हुए पारी को, और कप्तान बिल्कुल नाखुश। जी बिल्कुल, दोनों साइड विकेट की गेंदबाजी हो रही है अनफॉर्चुनेटली, जिसके चलते कैप्टन को फील्ड सेट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक वहाँ पे अंकुश चार गेंदें अच्छी करके 2 बॉल अगर बाउंड्री ले लेते तो थोड़ा सा प्लानिंग में गड़बड़ हो सकती है। इसी के चलते जो रिक्वायर्ड रेट शुरुआत में 7.5 के आसपास थी वो 7 से काफ़ी नीचे आ चुकी है। इस बार आसानी से 1 रन चुरा लेंगे 4 ओवर के बाद 47 पे 1 चेन्नई राइनोज़।